बुखारी की हदीस है, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस को रवायत फरमाते हैं। हदीस का मज़मून ऐसे है, मज़मून हदीस का ऐसे है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान अल्लाह ताला की दो नेमतों से अक्सर इंसान इन दो नेमतों से इंतहाई टोटे के अंदर है। टोटा समझते हैं, नुकसान, घाटे में, बहुत ज़्यादा घाटे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी करानी है, दो नेमतें हैं। अक्सर से मुराद ये कि मेजॉरिटी, जिसमें आप ये कह लें कि भाई 95% तो ज़रूरी ऐसा मामला होगा, तो किस कदर अहम और ज़रूरी चीज़ है इस बात को समझना, ये आप सोचें। नुकसान से मुराद क्या है, बहुत बड़ा नुकसान जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुकसान फरमा रहे हैं, तो वो नुकसान क्या हो, छोटा सा भी कोई हमारे मामलात के अंदर कोई कह जी ये ना करें बड़ा नुकसान होगा, एहतियात करते हैं या नहीं करते, ये कारोबार शुरू ना करें उसमें नुकसान होगा, एहतियात करते हैं, ये मकान ना अपना लें इसमें नुकसान होगा, आदमी एहतियात करता है। तो ये सुभानअल्लाह नबी करीम सब के इरशादे करामी है कि ये दो नेमतें ऐसी हैं जिसमें इंसान इंतहाई घाटे में अक्सर इसमें ऐसे है। लापाक इस हदीस को सुनने के बाद इस पर अमल करने की हमें तौफीक नसीब फरमाए। असल तो मकसद जिक्र है हमारा आने का, आप लोग भी जिक्र के लिए हैं, मेरी बातें सुनने तो नहीं है, और दावत भी जिक्र की दी गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी अल्लाह की नेमत है, जिक्र तो हमारा होना ही था, तो सुबह शाम तो हम करते हैं मस्जिद जिक्रिया में, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। तो यहाँ इस मस्जिद में सफ़र करने का मकसद क्या, फिर इस मस्जिद में दूर सफ़र करने का मकसद ये आपको साथ लाने का और आपके साथ आने का मकसद ये है कि हमने तो करना ही करना था जिक्र, ज़ाहिर तो उस मस्जिद में कर लेते जैसे हमारा तो मामूल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ आने का मकसद ये है कि भाई कुछ और भाई भी इसमें शामिल हो जाएं, हमारे और भाई भी इसमें शामिल हों, तो जो सवाब का काम है तो उनको भी शामिल कर लें। ज़ाहिर जब हम सबको बैठा देखेंगे तो अल्लाह पाक उनके दिल में मोहब्बत पैदा कर देगा कि चलो यार ये लोग आए हुए हैं क्या करते हैं, चलो हम भी बैठ जाते हैं। तो तरगीब देने वाली तो अल्लाह की ज़ाती है, बिठाने वाली उसकी ज़ात है, लेकिन जब लिफाफा खुलेगा ना
कि वहाँ बैठने के बाद मिला गया है तो फिर आंखें खुल जाएंगी आदमी की, ये तो कमाल हो गया भाई, तो इतना बड़ा स्वाब इसका, ढेरों स्वाब था इसका, तो चंद एक घंटे के लिए हम बैठे थे और तो ये अच्छी जमात आई थी भाई, तो माशाल्लाह हो भी तो काम बना गई हमारा, हमारा नाम तो जहन्नुम में लिख दिया गया था लेकिन उस वक्त की मजलिस की वजह से हम बख्शे गए। यदि सुना रहा हूँ, बात नहीं कर रहा हूँ, हमारा नाम तो जहन्नुम में लिख दिया गया था, फैसला हो चुका था हमारा, बड़े बुरे हालात में थे हम, लेकिन वो जो ना वो जमात एक आई वो बैठी थी, हमने कहा चलो हम भी बैठ जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहीं अल्लाह ने फैसला कर दिया कि तुझे बख्श दिया गया। तो सब भाई इसी चीज़ की नियत करें कि भाई हम आने का मकसद ये है कि दूसरों को भी फायदा पहुँचे, और जितने अमाल हैं आपकी ज़िंदगी के एक तरफ रख दें, सारी ज़िंदगी के कुरान हज ज़कात और जो कुछ भी है सारे अमाल एक तरफ दें, तराजू में रख दिए जाएंगे, और एक तरफ एक नेक की ऐसी होगी जिन तमाम पे हावी हो जाएगी, वो क्या होगी कि कोई दर्द वाला इंसान, कोई परेशान हाल औरत, कोई परेशान बच्चा, कोई परेशान मर्द, आपने जाके उसको खुश कर दिया। अल्लाह पाक कहे तेरी सबसे ज़्यादा नेकी मुझे पसंद आई है, तूने मेरी मखलूक की खिदमत की और कुछ काम किए। मेरे भाइयों याद रखो कि अल्लाह के बंदों को राज़ी करना बहुत बड़ी बात है, खाते हम भी हैं, लेकिन ये सोच के कि भाई इसमें ज़रा पानी डाल दो मेरे दो भाई और भी खा लेंगे, वो पानी बहन वो जो पानी होगा अल्हम्दुलिल्लाह वो तो फिर जन्नत में भाग के ले जाएगा इंसान। ऐसे ऐसे साहबकार ने जो हैं अल्लाह वालों ने अपनी जन्नतों को कमाया है, नहीं जी बुना रखें, बुना रखें बस हमारा पेट बढ़ जाए, बोटी अंदर जाएँ, बुना समझते हैं ना, रोस्ट हो बस। दूसरा कहते हैं नहीं यार इसमें पानी डाल दो ताकि कुछ मैं भी खाऊंगा, कुछ साथ आ जाएगा, आदमी गरीब है बेचारा, मस्जिद में आए मुसाफिर है वो भी खा ले। चूज़ा तो एक ही है, चूज़ा नहीं बढ़ाया आपने, लेकिन क्या बढ़ा दिया, सालन बढ़ा दिया आपने, सालन बढ़ा दिया, अल्लाह ने आपकी किस्मत को बढ़ा दिया। तो ये इबादत का ख़ास ख्याल रखें इसका, मस्जिद में इबादत हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह खूब कर रहे हैं, लेकिन ये जो इबादत कहीं मिल जाए ना पूरे दिन में इस इबादत को ढूंढा करें कि किसी दुखी दिल को राज़ी कर दो, किसी रोते को हंसा दो, किसी रोते को हंसा दो, किसी मजबूर को खुश कर दो, ऐसी दिल से दुआ उसकी निकलती है अल्हम्दुलिल्लाह कि दुआ अर्श को हिला देती है इंसान। इतना बड़ा करैक्टर है मोमिन का, आँख बंद कर बस अपने काम पे आदमी लगा रहे, बस किसी को नहीं देखना, दूसरे को देखना, घमंड उस पर अल्लाह ताला एक तकब्बुर पैदा करता है इबादत में, एक तकब्बुर पैदा कर देता है कि अच्छा ये बहुत ही नखरे में आ गया, मैं बड़ी इबादत कर रहा हूँ, ना जैद का पता, ना बी का पता, ना आगे का पता, ना पीछे का पता, ना हमसाए का पता, बस अपने काम में लगे, लेकिन नमाज में पढ़ाएं हम जी जमात में हुआ है, हम तो फलां कर रहे हैं, हम तो जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह के बंदे पूरी मखलूक अल्लाह की है, किसी को दीन की दावत दो, किसी भी हालत में इंसान दुखी है परेशान हाल है, एक ऐब उससे नहीं छूट रहा, एक उससे बुरी चीज़ उससे नहीं छूट रही, और आप में इतनी हिम्मत और सख्त है कि आप उस पर टाइम दे सकते हैं, वक्त दे सकते हैं। आप कहने जी मेरे तो कुरान पढ़ने का टाइम, अल्लाह अकबर हज़ार कुरान कुर्बान उस पर कि एक आदमी को आप दीन की दावत दें, बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये बैलेंस ना किया करें मुसल्ले का मखलूक के साथ, फराइज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी इबादत जो है, सबसे बड़ी इबादत याद रखें हुस्न खुल्क है, इंसान के अखलाक है, फराइज के बाद सबसे बड़ी इबादत है, और ये भी फ़र्ज़ है, ये भी फ़र्ज़ है। इंसान को देखिए किसी की हिम्मत कर, किसी जॉब नहीं है, आप पता है जॉब दे सकता हूँ, आपको पता है किसी के मकान का प्रॉब्लम है, हाँ मेरे अख्तियार में है मकान भी दिला सकता हूँ, किसी को कुछ कम है, दुनिया परेशानियों में हालात परेशानियों में, आप ये देख लें पाँच मिनट किसी भाई की बातें सुन लें, रस्ते में सुन लें, और ये भी नहीं कि आप उसके लिए दुआ करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो आपको सुना चुका हदीस है, वो एहसान नहीं कर रहे बल्कि वो आपका काम बना रहे, आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं अल्लाह आपका पहले काम कर रहे हैं, करना चाहिए नहीं। तो ये मेरी मशीन की दूसरी तरफ चली गई, मैंने आपको कोई और हदीस सुनानी थी, पता नहीं शायद यही बात करनी जरूरी थी मेरे लिए, तो इसका तो ख्याल भी दिल में नहीं था। तो अर्ज़ क्या किया था आपसे, इंसान बहुत घाटे में है अक्सर, क्यों, दो नेमतों की वजह से, अल्लाह ताला की पहली नेमत ले लें आप कि क्या चीज़ होगी जिसकी वजह से इंसान पूरी मखलूक घाटे में, ईमान के साथ भी घाटे में, क्या नेमत है वो कोई बताएगा मुझे,
जब ये कहा गया अक्सर घाटे में है तो इसमें अक्सर उनके पास वो नेमत है, नहीं समझे बात? इसके मतलब है हदीस बता रही है कि अक्सर जो घाटे में तो अक्सर ही के पास वो चीज मौजूद है, ना हो तो फिर तो अक्सर घाटे का सवाल ही नहीं पैदा होता। वो चीज है उससे इंसान फायदा नहीं उठा रहा, इसे होता ना भाई मेरे पास पैसा है मुझसे फायदा नहीं उठा, घाटा है ना उस पैसे का, दुकान है दुकान को नहीं चला रहा, चीज अल्लाह ने मुझे दी है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा, उससे फायदा नहीं उठा रहा, इसको कहते हैं घाटा नुकसान लॉस। भाई ये है लॉस, ग्रेट लॉस है, जैसे हम कहते हैं ना भाई कब पता चल जाएगा इसका नुकसान, कब पता चलता है आप ये देखिए, नुकसान तो पता चलता है जब कोई कारोबार करता है आदमी तो साल के बाद एक अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम भी करते हैं बिजनेस, उस पर पैसा हिलता है आदमी, फिर तो गाड़ी निकाल रहा है और जनाब ये कर रहा है और मकान में ये कर रहा है और जाके फलां कर रहा है, सब चलता रहता है, और जब साल में बनता है ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट फिर सर पकड़ के बैठते हो, ओहो इतना डेप्ट हो गया बैंक का, इतना चक्कर चल गया, होता है ना ऐसा, वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट फिर साल का बताता है। तो जब हमारा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अल्लाह करे प्रॉफिट ही हो वहाँ पे, तो फिर पता लग जाएगा भाई प्रॉफिट क्या है लॉस क्या, इसलिए क्या है घाटे में इस हदीस में, इससे समझेंगे हम, इस एतबार से जो इंसान घाटे में होगा कि जब आखिरत के अंदर इस नेमत के ऊपर जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा इससे क्या फ़ायदा उठाए, अल्लाह होकर कुछ लॉस में होगा तो ऐसा लॉस होगा जिसका तो तस्वर ही नहीं कर सकता। बताएं भाई कौन सी नेमत हो सकती है ऐसी, आपके पास भी है कि मेरे पास भी है, नहीं है। यदि इस मेरे जहन में क्यों आई, मेरे साथ एक वाकया हुआ परसों, मैं अपने उजर से निकला अच्छा के लिए तैयारी मस्त अपने मामलात करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह नमाज का शौक फिर जिक्र फिर मराकबा, जिक्र का शौक जाएंगे जिक्र करेंगे, वो एक कैफियत होती है जो बन जाए आदमी की रोजाना, एक रूटीन बन गया आपकी, जैसे यहाँ आने के लिए शौक पैदा हो जाता है एकदम, चलो वहाँ मस्जिद तैशी जाना है जिक्र करना है, जिक्र शौक से पैदा हो जाता है ना आदमी में, एकदम को रुक जाए आदमी कितनी भी अजीब सा लगता है, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं किसने बेल दे दी, वो मिलने वाला कोई आ गया, अब उससे आप ऐसा मिलने वाला है जिससे आप इंतजार नहीं कर सकते, आपके दिल में क्या होगा, अफसोस होगा नहीं होगा, वैसे कितने मिलने वाला हो क्योंकि शौक उस तरह बढ़ा है आपका कि मैंने जाना है, तो मैं भी उसी कैफियत में था, शौक शौक के साथ मैं तैयारी कर रहा हूँ जनाब अल्लाह, और सीधा उठ के अपना मामला से फारिग होकर देखा ईशा का टाइम हो गया, अब दोस्त आएंगे साथी आएंगे बैठेंगे, मैंने जाके वजू ताज़ी करें भाई, अब बड़े एहतमाम के साथ वजू ताज़ा करें, अब कैफियत बन गई, वो जैसी वजू से मुड़ा मामला वहीं ख़राब हो गया, इतना ज़बरदस्त स्लिप हुआ मैं कि शायद ही कोई जगह होगी जो मेरी दर्द ना कर रही हो, हिल नहीं सकता, इधर से टांग उठाऊँ वो दर्द, इधर बड़ा शदीद दर्द, यहाँ तक कि वो मैं बढ़ के वो जो था बाथरूम के कुंडे भी नहीं खोल सकता था, वो जम गया दर्द के साथ, वो इस तरफ इतना दर्द इतना, या अल्लाह, और शौक जोश पे था वो इश्क जाने का, अजीब आप कैफियत बता रहा हूँ आपको, उधर वो जोश कैफियत के भाई अल्हम्दुलिल्लाह नमाज ना निकल जाए जिक्र ना निकल जाए, अरे का मेरे से हर एक के साथ ये होता है शायद जो नमाज ही पढ़ने वाले, इस कैफियत के साथ बड़ा ही अफसोस हुआ कि भाई जिक्र क्या होगा, अब तकलीफ भी साथ में वो ख्याल भी साथ में, बड़ा मुश्किल हो गया, और यही नहीं बल्कि सुबह तक का प्लान, वो सुबह भी नहीं जा सकूँगा फिर शाम क्यों नहीं जा सकूँगा, पसीने आने शुरू हो गए जनाब दर्द के साथ कि तो भी बड़ा मामला हो गया, अब क्या किया जाए, बहुत हिलने की कोशिश की, हर चीज़ दर्द कर रही, पता नहीं कैसे स्लिप हुआ, खैर वो कुंडी शुंडी खोल के घिसड़ता हुआ साथ ही मेरा गुजरा है, मैं उसे जाके बैठा हूँ, बस यही हमारे पास तो आसरा है अल्लाह का और किसी का आसरा ही नहीं, मैंने भी अल्लाह से दुआ की, इसे टूटे फूटे हालात में बोला ये तो चल फिर भी नहीं हो रहा, तो काम खराब हो गया, तो जिक्र भी जा रहा है मेरा, तो सब कुछ चल रहा है, कर्म फरमाई कब तक से रहेगा मामले, तो भी सही होता नजर नहीं आ रहा, गिरिया की रोए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तरोताज़ा हो गया, तो ये कैफियत दिखा दी, उतना खुश हुआ मैं, थोड़ी टांग लाई कुछ दर्द नहीं, ये क्या हो गया, मैं एकदम भी थोड़ा हाथ पाथ लाया जिस इसमें बहुत सख्त दर्द था, अब वो मैं कुछ कर चल रहा हूँ ऐसे ऐसे चोट लगी हुई है, मैं चोट तो लगी भी ही नहीं भाई, तो है ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तैयारी से आप बड़े छशाश पिशाश पीछे आए बैठ के उसको बता रहा हूँ बड़ी चोट है ये, और चोट नहीं थी उसको, भाई चोट तो बाहर कैसे निकला, तो क्या था इस वाक्य ने एक चीज़ मुझे पर्सनली जब इंसान के साथ तजर्बा हो ना तो फिर पता चलता है, सबसे बड़ी नेमत
तो सारी दुनिया की नेमतों से अफजल है। तो सारी नेमतें आप ये देखें, ईमान के बाद जो हमें नेमत मिली है, इबादत की मिली है, कुरान की मिली है, सब ये सारी नेमतें अल्लाह की है ना हमारे पास, लेकिन इससे भी अफजल है, मोहताज है सारी चीज उसकी, सब मोहताज है उसकी। वो क्या नेमत है? सेहत इंसान, सेहत। अगर आपके पास सेहत न होती तो आप यहां ना बैठे होते, अगर आपके पास सेहत न होती तो आपकी बख्शिश ना हुई होती, अगर आप यहां होते तो आपके लिए जन्नत के दरवाजे ना खुल जाते, जिक्र के बाद यही होते हैं ना, अगर यह आप ना होते तो अल्लाह आपसे राजी ना होता। किस तरह आप आ गए, किस चीज ने आपको पहुंचाया? गाड़ी ने नहीं, किसी चीज ने आपको पहुंचाया, अल्लाह ने जो आपकी एक नेमत दी बड़ी अजीम, वो क्या चीज थी? और सेहत, सेहत का ताल्लुक ये नहीं कि आपसे ही है भाई, मेरे से था नहीं, वो मैं बताया ना आपको, जिस्म के एक हिस्से 360 अज्जा है इंसान के जिस्म के, और एक जुज भी अगर बेकार हो जाए तो आदमी बेकार हो जाता है। अल्लाह ने दो आंखें दी हैं, कोई सहारा ना हो तो चल नहीं सकता, अल्लाह ने हाथ दी है, एक कोने में दर्द हो जाए तो इंसान चल नहीं सकता, टांग टेढ़ी हो जाए तो आदमी चल नहीं सकता, हर अज्जा जो अंदर से, पिता खराब हो जाए तो आप बिस्तर से नहीं उठ सकते, गुर्दा खराब हो जाए नहीं सकते। 360 जो अल्लाह पाक ने ऐसे दिए हैं कि जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, कि हर वक्त इंसान के वो रेडी रहते हैं, कारोबार उनका चलता रहता है, सब चीज तैयार होती है, उसको कहते हैं सेहतमंद आदमी। कितना बड़ा अल्लाह ताला का एहसान है, सारी नेमतें, ये मकान, ये दुकान, ये कारोबार, ये गाड़ियाँ, ये खाना, ये लवाजमात, सारी की सारी नेमतें हो, सेहत ना हो, सब बेकार है या नहीं? कितनी बड़ी नेमत है। ये अल्फाज जो है नबी करीम से रसूल के अल्फाज है, मामूली चीज़ नहीं है, ये इतनी बड़ी नेमत है, उसके नेमत के बाद फिर इंसान जहन्नुम में जा रहा है, घाटे में जा रहा है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बन रहा है उसका, उसका जो अकाउंट है वो किस में जा रहा है? लॉस में जा रहा है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी नेमत है। और उसके साथ एक और नेमत, दो नेमतें बताई, वो क्या है? वो भी बड़ी अजीब चीज है, किस तरह हम उसको जाया करते हैं, वो क्या है? बेफिक्री, बेफिक्री। मैं यहां जितने भी लोग बैठे हैं ना, मैं सबको कह सकता हूं आप बेफिक्र होंगे। बेफिक्र से मतलब फिक्र क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, खाने को मिला, सोने को मिला, कपड़े पहनने को मिले, गाड़ी मिला, तबीयत मिली। और बेफिक्री क्या होती है? जिनमें पैसे मिले, बैंक बैलेंस कायम, कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो कहेगी कल मुझे रोटी नहीं मिलेगी, कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो कहेगी जी कल मुझे खाने को नहीं मिलेगा, कोई आदमी नहीं होगा ऐसी जो बेसिक चीज़ जो है इंशाल्लाह, ये क्या सब चीज़ें हैं? बेफिक्री इंसान के लिए। तो इससे भी आगे बढ़ जाए बेफिक्री, एक बेफिक्री वो भी होता है कि जिस वक्त इंसान को कुछ भी नहीं करना होता, वो कितना टाइम हमें मिलता है बेफिक्री का, आप ये देखिए। अब इनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? सेहत का अंदाज़ा आप लगा लें, सेहत मौजूद होती है, सब कुछ होती है, लेकिन इंसान उस सेहत को इस्तेमाल नहीं करता, आखिरत के लिए इस्तेमाल नहीं करता, अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं करता। सेहत का तकाजा यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इससे इतना कमाओ, इतना कमाओ इस सेहत से कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आखिरत के अंदर महल के महल बनना शुरू हो जाए, एक सेकंड हमारे इस सेहत के साथ ज़ाया नहीं होना चाहिए, आखिर चलनी चाहिए हर वक्त। क्यों? ये सोच के, मैंने आपको बताया अल्लाह ने ये दिया तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ एहसास हुआ ना कि वो एक सेकंड जो ऐसा था उसने हर दरवाज़ा बंद कर दिया था मेरा, सजदे का दरवाज़ा बंद, रुकू का दरवाज़ा बंद, जिक्र का दरवाज़ा बंद, हर चीज़ का दरवाज़ा बंद हो चुका था, है या नहीं? एक सेकंड में इंसान जब बीमार हो जाता है हर दरवाज़ा बंद हो जाता है इंसान, और जब तक इंसान के पास सेहत होती है वो ऐब निकालता रहता है, नहीं जी ये है नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं नहीं जा सकता, फला नहीं है जी मैं इसलिए ये काम नहीं कर सकता, फला चीज़ नहीं है मैं अब कल से करूंगा। आप नोट करें बात, ये नहीं जी नहीं, जब दिल नहीं कर रहा जी इस वक्त, तबीयत ये नहीं है जी, फला नहीं है, कभी ना सोचे। इन हदीसों को याद करें, ये बहुत बड़ी बड़ी नसीहतें हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाई हैं। अपनी ज़िंदगी को हम समझें, एक लिमिटेड पैकेज है हमारे पास, लिमिटेड पैकेज है, बिल्कुल समझ लें आप, जितने सांस लिखे हैं उसमें से एक सांस भी जो है वो ऊपर नीचे नहीं हो सकता, जो जगह रखी है उसी जगह होगी। अक्सर आप देखते हैं कि चलते चलते क्या जी, वो तो अच्छा खासा बाजार जा रहा था वहीं ख़त्म, ज़रूरी नहीं है लिखा हो बाजार के बाद घर आएगा, घर के बाद बिस्तर पर लेटेगा, नहीं, जिस जगह उसने पहुँचना है मलकुल मौत ने वो उसी जगह पहुँच जाएगी, वो नहीं देखता किस जगह पर, टॉयलेट में है, बाहर है, अंदर है, मस्जिद में, उसने पहुँचना ही पहुँचना है, जहाँ उसकी किस्मत में लिखा है ये सांस निकालना है उसने निकाल लेना है, इतनी सी फुर्सत इंसान को नहीं मिलती।
देखते हैं रोजाना जिंदगी में, फिर उस वक्त फिर आंख खोलते आए हाय जाय कर दी मैंने सेहत अल्लाह ताला, मैंने कुछ फायदा ही नहीं से उठाया, कितना बड़ा मैंने खसारा उठाया। इसका खसारा यह है कि सेहत के साथ इंसान को अल्लाह के लिए अल्लाह की तरफ रजू करना चाहिए। फारिग हो हम देखें काम से आ रहे हैं उसको पता है हमें, उसके बाद हमारे पास सारा टाइम ही टाइम है, पहले ही प्लान करके आएंगे, आएंगे तो जनाब कब चाय बनाएंगे, उसके बाद खराफात इतनी है ये करूंगा, फिर फलां चीज खोलूंगा तो फलां से ये देखूंगा, फलां से ये देखूंगा, बाकायदे के साथ 12-12 1-1 बजे तक आराम से इंसान करता रहता है ये काम, 12-12 1-1 बजे तक ये काम करता रहता है, बल्कि जान जान के आंखें खोलता है। कुरान तो फौरन नहीं, मुश्किल होती है कोई आदमी सूरह यासीन ही पढ़ ले रहा था, सूरह यासीन पढ़ना हमारे इतना मुश्किल है, 10 कुरानों का सवाब मुंतजर है। और करें कि किस तरीके अल्लाह ने सेहत के लिए दिया है, जब सेहत जाती है तो फिर वो आदमी पढ़ नहीं सकता, मैंने ऐसे लोगों को पढ़ते देखा या वो पढ़ नहीं सकते, यासीन का पूरा लफ्ज नहीं निकल रहा हमसे, कहते हैं हम तो बड़ा अच्छा कुरान पढ़ते थे, आज हमसे 2 लफ्ज ही आगे नहीं चल रहे, हमसे निकल नहीं जा रहा कि 2 लफ्ज, आज तो बड़े बने बैठे हैं यहाँ, कल का पता नहीं भाई, तो अब मुझे साथ हुआ तो मुझे हदीस याद आई है ना यहाँ पता, खानों को आग लगा ली, इस पर फिल्म टाइम पढ़ सकते हैं कुरान की आयत, बस ये मामूलात इंसान के बन जाए जिंदगी के, 10 कुरान का सवाब। अच्छी बात, वैसे हम कुरान पढ़ें पता नहीं कबूल हो ना हो, लेकिन जो ऊपर से कहा जा रहा है 10 कुरान तो वो तो कबूल ही कबूल है, वो सूरह यासीन 10 कुरान दे दी आपको पक्का पक्का रिकमेंडेड कबूल ही कबूल, यही नहीं कि रिजेक्ट हो जाएगा, वैसे हम पढ़ें तो कुरान रिजेक्ट हो सकता है हमारा, अल्लाह ताला क्या नहीं पसंद, ये तो अल्लाह खुद दे रहा है कि मैं मुझे कबूल करता हूँ तो पढ़ ले सूरह यासीन, पढ़ना चाहिए नहीं बस नहीं करते हम, हिम्मत ही नहीं होती कि 5 मिनट लगा दें इस तरह, तो इस तरह प्रोग्राम बनाए, देखें आप कि किस तरीके से हम अपनी जिंदगी को जाया करते हैं, बाहर जा रहे हैं बस बातें कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, इससे बात कर रहे हैं, बस नमाज फारे हो के समझते हैं हम बिल्कुल फारे हो गए, हमने सारा काम कर लिया, अक्सर सड़कों पर खड़े हो जाते हैं, दरवाजों के बाहर खड़े हो जाते हैं, मैंने तो अक्सर ये देखा है कि हम अंदर जिक्र कर रहे होते हैं और लोग बाहर खड़े होते हैं बातें कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, बाहर निकल के दिल मेरा कांप जाता है, दिल कांप जाता है, अल्लाह किस कदर इंसान के दिल पत्थर हो जाते हैं, कल इसका नाम लिखा जाएगा बोर्ड पर, मेरा लिखा जाएगा, कल अल्लाह ने से पूछ ले कि मेरा मस्जिद में मेरा नाम लिया जा रहा था, उसके सवाब ए थवाब थे कि पहाड़ों से भी बड़े बड़े सवाब थे, पूरी कायनात उस जिक्र के अंदर शामिल होती है, जमीन आसमान फरिश्तों से बढ़ जाता है जिक्र की मस्जिद में जो हम बैठे हैं इससे, और तुम बाहर सिगरेटें पी रहे हो बातें कर रहे हो, इस कदर तुम्हारे दिल सख्त हो चुके थे अल्लाह ताला कहेगा, कितनी बड़ी बात है ये आप देखें, तो कैसी जबरदस्त हदीस है कि भाई इतना जबरदस्त घाटे में है कि सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान उसको जाया कर रहा है और लाश के अंदर जा रहा है, कभी भी ये बात ना करें कि खराफात जिस वक्त बैठे हैं किसी खराफात की तरफ, रात को आप गए जी अब जिक्र कर लिया फारे हो आप तमाशे लगाते हैं, नहीं 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 नहीं, सेहत बाकी है, इससे बेहतर है कि आप जिक्र करके आए जाए किसी खराफात में पड़े फौरन सो जाए, सारी रात जिक्र का सवाब मिलेगा, बिल्कुल इतना जाए जिक्र से फारे हुए नहीं फारे हुए जब आप ठीक है आप खराफात में, तो फिर उस सेहत का जवाब देना पड़ जाएगा, उससे बेहतर ये स्टेट पोजिशन में चला जाए आदमी, कम से कम नींद तो पूरी को ख्वाब तो नजर आएंगे, जन्नत में सैरे करेंगे, उस खराफात से तो बच जाएंगे कि वक्त जाया किया, वो जाया नहीं होगा, वो सोना जो होगा इस नींद से कि अल्लाह ताला मैं सुबह उठ के तहज्जुद पढ़ूंगा, ये पूरी की पूरी इबादत बन जाएगी आप, और सेहत भी इंसान की सेहत होती है, देखिए और जो शुक्र तुम लाजी दन रखो, मैंने अल्लाह वालों को देखे, मैं अपने हजरत साहब को देखा अल्हम्दुलिल्लाह 99 साल 1995 के मैंने लोगों को देखे, अभी कल आए हुए थे ये मुफ्ती रफ़ी साहब बैठे तकीर करते, 90 से ऊपर उम्र होगी उनकी, कहाँ से हैं पाकिस्तान से हैं, बिल्कुल सीता सेहत जमारे आजकल के उनके कहीं अच्छा सेहत लग रही थी उनकी, क्या इन चीज़ों में क्या है, शुक्र तुम लाजी दन रखो, अल्लाह ने जो नेमत दी है उन्हें किस चीज की, सेहत की जो हमें नेमत दी है, अगर इस नेमत पे हम शुक्र करेंगे और अल्लाह के रास्ते में इसको लगाएंगे इस नेमत पे अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, अल्लाह कहता है इसका शुक्र क्या, मैं तुझे बदला दूंगा, तुझे मैं सेहतमंद ही रखूंगा, डॉक्टरों से बचाऊंगा, गोलियों से बचाऊंगा, दवाई से बचाऊंगा, तो सेहत का शुक्र कर दे तो मेरा वादा है मैं तुझे इससे ज्यादा दूंगा, बीमारी से बच जाएगा, आज कहते हैं जी फ्लू का टीका लगा लो जबरदस्त से लगा देते हैं, मेरे भी लगा दिए फला कर लो, इससे बेहतर ये नहीं है कि अल्लाह की नेमतों का हम शुक्र कर लें, अपनी सेहत का शुक्र कर लें तो अलहमदा हर चीज़ से बच जाएंगे, तो बीमारियाँ जो आनी है वो तो आनी होती हैं, इंसान की तकलीफें आनी वो तो आनी होती हैं, लेकिन
लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसे प्रोग्राम हमें पेश कर दिए, तो ये छोटी सी हदीस है, बहुत कीमती हदीस है। अल्लाह ने एक नेमत क्या दी हमें, सेहत, तो तमाम जिसकी मोहताज है हर चीज़, तो इसका हम शुक्र करते रहें, अल्लाह ताला हमें सेहतमंद रखेगा। दूसरी चीज़ क्या है, बेफिक्री। कि जब बेफिक्र कहते हैं, जब भी टाइम हमारे पास हो बेफिक्र बैठे, कोई काम ही नहीं करने के लिए, फजूलियात करने, फजूलियात से बच के उसको इस्तेमाल करें। अब इसका नुस्खा मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि दोनों चीज़ें हर इस्तेमाल हो सकती हैं। बहुत आसान उसका है, इसका बहुत आसान। हाथ में तस्बीह की आदत डाल लें, किस चीज़ की, छोटी छोटी तस्बीह मिलती हैं उसकी आदत डाल लें। जब तस्बीह आपके हाथ में आ जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह, तो या तो दुरूद शरीफ निकलेगा, या सुबहानअल्लाह निकलेगा, या अल्हम्दुलिल्लाह निकलेगा, गाली निकलेगी ही नहीं। गाली उस तस्बीह की बरकत ये होगी कि गाली निकलेगी नहीं। तमाम नेमतों को कवर करने वाली चीज़ अल्लाह पाक ने कैसी चीज़ देगी है, जिक्रुल्लाह। जिक्र अल्लाह एक ऐसी चीज है कि हर लम्हे को कवर कर जाती है, हर लम्हे को कवर कर जाएगी आपकी सेहत का। जिस लम्हे में हम होंगे, सेहत का शुक्र अदा हो रहा होगा कि हमारा मीटर चल रहा होगा आखिरत की तरफ। सुबहानअल्लाह कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, दुरूशी पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, या इससे भी आगे बढ़ जाए दिल का जिक्र अंदर, तो और ही अजीब चीज़ है। फिर हाथ में तस्बीह की जरूरत नहीं, फिर तो दिल ही अल्लाह की तरफ चल पड़ता है खुद ब खुद। तवज्जो रखनी पड़ती है दिल की तरफ, ध्यान रखना पड़ता है, इसमें ध्यान रखना पड़ता है। बस यही है कि दिल की तरफ ध्यान रहे आदमी का, तो दिल पे चलता रहता है। ध्यान हटाए तो दिल भी खामोश हो जाता है। ये याद रख, ध्यान रखना पड़ता है दिल की तरफ। दिल की तरफ ध्यान करें, दिल अल्लाह अल्लाह कहना शुरू कर देगा। वो कहे ठीक है भाई, कनेक्शन मिला रहा है मुझसे तो मैं जिंदा हूँ। लेकिन तवज्जो हटाई देता तो दिल बीच बैठ जाता है, कहते तो देख लिया था, मैं क्या बात करूँ। तो ये कितना आसान नुस्खा है, बेफिक्री का भी और किस चीज़ का, सेहत का। अल्लाह के जिक्र के इंसान मुस्तैदी से पकड़ ले। अल्लाह ने कहता है हर चीज़ में, क्योंकि कुरान हर वक्त नहीं पढ़ सकते, चलते हुए कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ सकता है, बैठे कहाँ पढ़। इसके लिए तो वक्त होगा भाई, वजू होना चाहिए, सब कुछ। लेकिन जिक्र एक ऐसी चीज़ अल्लाह ने दे दी, ना वजू की ज़रूरत है, ना किसी जगह की ज़रूरत है, ना किसी सेहत, कुछ भी कर लें आप किसी हर हालत में, बस अल्लाह अल्लाह कहते रहें। क्या कहते रहें, अल्लाह अल्लाह कहते रहें, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ कवर हो रही है। क्योंकि इन चीज़ों की नेमत से मुराद ये है, टोटे में ना होने का और फायदा मंद होने का मतलब यह है कि जिस इन नेमतों के साथ अगर अल्लाह के साथ ताल्लुक रहा, अल्लाह के साथ ताल्लुक रहा और आखिरत हमारी बनती रही, तो समझो फिर प्रॉफिट में जा रहे हैं, फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और अगर इन दो नेमतों के साथ हम अल्लाह को भूले हुए हैं और बाकी सारे काम चल रहे हैं, तो वो लॉस ही लॉस जा रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, खुलेगी तो कुछ नजर नहीं आएगा, डब्बा ही डब्बा होगा, खत्म हो जाएगी। तो अल्लाह पाक इस हदीस पे हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, और हम अपने वक्त को भी ज़ाया ना करें और सेहत को भी ज़ाया ना करें। अल्लाह पाक पास सेहत रखे और खूब फिक्र बेफिक्री वाला वक्त दे, जिसमें अल्लाह को खूब बैठ के हम याद करें, अल्लाह के अहकाम पे अमल करें, कुरान पढ़ें, तलावत करें, हर चीज़ अल्लाह ताला हमें करने की तौफीक नसीब फरमाए।